बॉल टैंपरिंग के मामले में फंसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक साल के लिए बैन कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले में फंसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और पूर्व उप कप्तान डेविड वार्नर पर एक साल का बैन लगाया है, जबकि बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीनों का बैन लगा है। इससे पहले बॉल टैंपरिंग विवाद में शामिल स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और सलामी बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका दौरे से वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स द्वारा की गई बॉल टैंपरिंग की इस हरकत से क्रिकेट जगत काफी निराश है। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन डेविड पीवर ने कहा था कि इस घटना से ऑस्ट्रेलिया के लोगों में भी काफी गुस्सा और निराशा है। आपको बता दें कि केप टाउन में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को शर्मसार करते हुए बॉल टैंपरिंग की थी। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट को इस काम के लिए चुना गया था, जो बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़े गए। टीवी रिप्ले में कैमरन बैनक्रॉफ्ट को गेंद के शेप को बिगाड़ने के लिए जेब से टेप जैसी चीज का इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जिसे उन्होंने बाद में अपने ट्राउजर में छिपाने की कोशिश की। हालांकि इन पर लगे इस बैन के बाद इन खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप खेलने पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप अगले साल 2019 में 30 जून से खेला जाएगा, जिससे पहले ये सभी अपने प्रतिबंध पूरे कर चुके होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।